हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इस बूलियन एलजेब्रा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। इसका C++ या फिर पुराने किसी भी टॉपिक के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे, आराम से आपको समझ आ जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे बूलियन एलजेब्रा। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? बूलियन एलजेब्रा। जब भी मैं कोई टॉपिक कराऊं, आपको बुक से रेफर करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहते हो, जब मैं कह दूं ये टॉपिक खत्म हो गया तो उसके बाद आप रेफर कर सकते हो, हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ तो बुक को नहीं देखोगे, नोट्स को नहीं देखोगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है बुक के अंदर या फिर स्कूल में आपके जो टीचर ने कराया होगा, एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं कराया जाता, राइट? तो जब मैं कह दूं ये चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद आप बुक को रेफर कर सकते हो या फिर नोट्स को रेफर कर सकते हो, वैसे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान देना, बूलियन का मतलब क्या होता है? बूलियन का मतलब होता है 0 और 1। क्या होता है बूलियन का मतलब? बूलियन मतलब दो वैल्यूज, 0 और 1 की वैल्यूज होगी। अब इसके अंदर आप क्या सीखने वाले हो, पहले वो बताना चाहिए। इसके अंदर आप सीखोगे सर्किट्स। क्या सीखोगे? सर्किट्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सर्किट्स क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल के अंदर चिप्स लगी होती है, तो वहां पर क्या है, एक तरह से सर्किट्स लगे हुए हैं। उनका यूज होगा, कैसे यूज होता है, वो सब चीज आप सीखने वाले हो इसके अंदर, राइट? तो क्वेश्चन 100% आएगा, आपको सर्किट बनाने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। अब जो भी सर्किट्स होते हैं उनका क्या होगा, उनका डायग्राम होगा। जैसा डायग्राम सिखाया जाए वैसे ही बनाना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तीन टाइप के सर्किट हैं, एक है एंड, एक है और एक है नॉट। इसके बाद और भी दो सर्किट्स हैं, वो आप आगे देखोगे, सारा बेस इसी से ही होगा। एंड को डिनोट करते हैं डॉट से। एंड को किससे डिनोट करेंगे? डॉट से, यानी मल्टीप्लाई समझ के चलो। और को डिनोट करेंगे प्लस से। और को किससे करेंगे? प्लस से। नॉट को करेंगे ऐसे या फिर ऐसे, मतलब कोट्स हो गया या फिर ऊपर बार हो गया, ठीक है? अब जो भी एंड होगा, और होगा, नॉट होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डायग्राम होगा, यानी एक सर्किट होगा। एंड का डायग्राम कैसे होगा? कुछ ऐसे डी की फॉर्म में। और का कैसे होगा? कुछ कर्व कर दो और इसको ऐसे, ठीक है? नॉट का कैसे होगा? कुछ ये। जब कहूं लिखना है तभी लिखना, उससे पहले नहीं लिखना, क्योंकि जब मैं समझा रहा हूं तो आपने समझने पे ध्यान देना है। तो एंड को कैसे डिनोट करेंगे? डॉट से। डॉट यानी कि मल्टीप्लाई। और को कैसे करेंगे? प्लस से। और साथ में नॉट कैसे हो गया? सिंगल कोट्स या फिर बार, दोनों में से कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड का डायग्राम कैसे होगा? डी की फॉर्म में। और का कैसे होगा? थोड़ा सा कर्व और ऐसे मिला दिया। नॉट का कैसे होगा? ट्रायंगल बना दो, उसके आगे गोला लगा दो, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप ये डायग्राम बना लो, राइट? इसको बना लो, यहां तक क्लियर? अब जो भी क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं का यूज होगा। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले सिंपल से क्वेश्चन से, धीरे धीरे बेस को हम बढ़ाएंगे, पहले सिंपल से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम, ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम ऑफ दी ए प्लस बी। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, किसका? ए प्लस बी का। अब ये जो ए और बी है इनको कहा जाता है इनपुट। इनको क्या कहा जाएगा? इनपुट या फिर वेरिएबल्स कहा जाएगा। जैसे कि आप कैलकुलेटर यूज करते हो, कैलकुलेटर में 10 + 20 करा, तो 10 एक इनपुट है, 20 एक इनपुट है, बीच में प्लस एक ऑपरेटर है। लेकिन जैसे यहां पर हमने क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। ए हमारा एक इनपुट है जिसको आप वेरिएबल भी कह सकते हो, बी भी एक इनपुट है वेरिएबल भी कह सकते हैं, और प्लस का साइन क्या हो गया हमारा, क्या हुआ, सर्किट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये देखो प्लस का जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा, कुछ ये, यानी कि ये वाला सर्किट का डायग्राम यूज होगा, राइट? प्लस का मतलब और होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा?
सबसे पहले तो आप देखो कितने वेरिएबल्स हैं, दो, ए और बी। तो एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसके ऊपर लिख दो ए, यानी कि एक इनपुट हो गया ए। उसके बाद एक लाइन और ड्रॉ कर दो, दैट इज बी। तो जो भी इनपुट होगा वो लाइन से रिप्रेजेंट होगा। बीच में क्या है, प्लस, यानी कि इन दोनों के बीच में प्लस। तो प्लस का जो डायग्राम सिखाया वो वाला डायग्राम बना दो, इससे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, ये क्या आ गया, ए प्लस बी। तो दोबारा देख लो, प्लस का सिंबल ये, तो सेम चीज यहां पर बनानी है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपसे प्लस का डायग्राम सही नहीं बने, सर्किट सही नहीं बने, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। राइट, इसको नोट कर लो। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए डॉट बी। ये ए और बी क्या है हमारे, दैट इज इनपुट। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, फटाफट सॉल्व करो आप। ठीक है, ध्यान दो, इसके अंदर क्या करना है, ए और बी क्या है हमारे, इनपुट। तो दिस इज इनपुट ए हो गया, इनपुट बी हो गया, बीच में क्या लगाना है, प्लस। प्लस का मतलब कौन सा वाला, डी की फॉर्म में। तो ये लगा दिया हमने डी की फॉर्म में, प्लस सॉरी डॉट है मल्टीप्लाई, दैट इज ए डॉट बी। राइट, ये हो गए हमारे दो क्वेश्चन। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए डैश। ठीक है, डैश ऐसे भी हो सकता है ऊपर या फिर ऐसे भी हो सकता है, पहले समझना है, लिखना नहीं है। ध्यान दो, जितने भी हमने दो क्वेश्चंस करे, यहां पर ए और बी हमारे दो इनपुट है, ऊपर भी ए और बी दो इनपुट है, यानी जब हम प्लस कर रहे हैं दो इनपुट चाहिए, डॉट लगा रहे हैं यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो इनपुट चाहिए, मिनिमम दो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप लगाओगे नॉट वाला तो कितना इनपुट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल है सॉल्यूशन। क्या करा हमने, ए है तो दिस इज ए, ये क्या आ गया ए, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है, ए डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करोगे, ट्राइंगल बना दोगे ऐसे, और इसके आगे ये लगा दिया, ये क्या आ गया हमारा, ए डैश। राइट, वेरी वेरी सिंपल, नोट कर लो। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीन सिंपल क्वेश्चन करें, अब हम अपना लेवल और इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए प्लस बी और उसके बाद डॉट सी। अब ध्यान दो, जैसा कि हमें पता है कि पहले क्या सॉल्व होता है, पहले सॉल्व होता है ब्रैकेट। तो हमें क्या करना है, पहले ए प्लस बी को सॉल्व करना है। तो क्या करा हमने, ए और बी, दिस इज ए दिस इज बी, बीच में क्या लगा देंगे, प्लस का सिंबल, दिस इज प्लस यानी और का सिंबल, और इससे आंसर क्या आ गया हमारा, ए प्लस बी। अब जो आंसर आया उसके साथ क्या करना है, सी को मल्टीप्लाई यानी कि एंड करना है। तो यहां तक क्या आ गया हमारा, ए डॉट बी आ गया। अब यहां से ले लो, यहां से भी ले सकते हो, तो मैं यहीं से ले रहा हूं, दिस इज सी। कई बार स्कूल में टीचर कहते हैं जहां से स्टार्ट करा ए बी वहीं से लेकर आओ, तो यहां से इतनी लंबी लाइन ड्रॉ कर दी, बीच में क्या लगाना है, एंड। तो या तो बहुत बड़ा बनाओगे, बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे भी लेकर आ सकते हो, दिस इज डी। तो इससे हमारे पास आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर और डॉट सी। ठीक है, नोट कर लो। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता जाएगा और
कंसेप्ट सही से क्लियर हुएंगे। मैं ड्रॉ द सर्किट डायग्राम नहीं लिखूंगा, सीधा क्वेश्चन लिख दूंगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ठीक है, ये मैं कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आपने करना होगा, फिर हम देखेंगे जो आपने करा और जो मैंने कराया सेम है या नहीं है। तो पहले एक बार इसको भी समझ लो, ए और बी दो इनपुट है, तो दिस इज ए और ये बी, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो इसका मतलब पहले हमें इसको सॉल्व करना है, ए डॉट बी हो गया, बीच में क्या लगेगा एंड का, तो एंड कैसे होता है कुछ ये हो गया ए डॉट बी। अब नेक्स्ट ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसमें क्या बी डॉट सी, बी पहले आ गया तो दोबारा से बी नहीं बनाओगे, इसी की हेल्प से आप बी का यूज करोगे। क्या करा हमने, यहां से हम लेकर आए, डॉट यहां बना दो कहीं पे भी बना दो आपकी मर्जी है, यहां से हम ले आए और इस डॉट को थोड़ा सा हाईलाइट कर देना जिससे पता चले, ठीक है। यहां से हम लेकर किसको आगे, बी को ले आए, और कौन सा चाहिए हमें, सी, सी तो पहले नहीं बनाया हुआ, तो ये आ गया हमारा सी, इन दोनों के बीच में एंड, तो ये हो गया हमारा दिस इज एंड, ये क्या आ गया हमारा बी डॉट सी, थोड़ा सा इसको भी ठीक करके लिख देते हैं ए डॉट बी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या करना है, प्लस लगाना है, तो क्या करेंगे, यहां से ले आए इधर, इसको ऐसे, और b प्लस सी और आ गया, तो और का सिंबल ये हो गया, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो यहां पे लिख दो, आंसर कौन सा आएगा, यही a डॉट b प्लस b डॉट c, तो दिस इज द आंसर a डॉट b ब्रैकेट में b डॉट c, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब ये मैं नहीं सिखाऊंगा, पहले आप लोगों ने करना फिर मैच करना। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ए प्लस बी प्लस सी डॉट B प्लस डी डॉट ए डॉट, नहीं यहां पे प्लस लगा देते हैं, ए डॉट बी, ठीक है। आप लोगों ने करना ही है, 5 मिनट का टाइम है करने के लिए। जो आप लोगों ने लिखा और जो मैं लिख रहा हूँ सेम आएगा या नहीं आएगा, ब्रैकेट सॉल्व करने, कौन सा ब्रैकेट कोई भी कर सकते हो, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलना अगर ब्रैकेट है। सबसे पहले ए बी सी यानी तीन वेरिएबल्स ए B एंड C, इन तीनों के बीच में क्या आएगा हमारा और का सिंबल, ये हो गया हमारा A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट B प्लस डी यानी B तो यही है, इसी का यूज कर लेंगे हम B का, तो यहां से ऐसे थोड़ा सा डॉट लगा देना मोटा सा, पता चल जाए कि बी यहीं से लिया है आपने। बी के साथ क्या चाहिए हमें, डी चाहिए, तो ये आ गया डी, इन दोनों के बीच में क्या चाहिए और चाहिए, तो ये आ गया हमारा और, ठीक है। नेक्स्ट
अब कौन सा चाहिए, ए डॉट बी, तो क्या करेंगे ए डॉट बी, यानी कि ए ये है बी ये है, तो डॉट कर लो, यहां से हमारा आ गया ए, बी आप यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो, अगर यहां से ले लो दोबारा बनाओगे यहीं से ले लो, तो यहां पे हमने क्या कर दिया डॉट लगा दिया, ठीक है, इससे क्या होगा हमारा ये बी यहां पे भी जा रहा है, यहां पे भी जा रहा है, और यहां पर आ गया दैट इज क्या चाहिए था हमें ए और बी हो गया, हाँ दिस इज ए और दिस इज बी, अब इनके बीच में क्या आ गया ए प्लस बी, प्लस का सिंबल है सॉरी डॉट है, यानी कि एंड का साइन, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में प्लस आएगा और इन दोनों के बीच में क्या आएगा डॉट आएगा, लेकिन रिजल्ट एक आएगा, यानी इन दोनों के बीच में क्या आएगा डॉट, तो हमने क्या करा यहां से ये आया और यहां से ये आया, बीच में क्या आ गया एंड, दिस इज एंड, इससे क्या निकला हमारा ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी प्लस डी, ठीक है, और क्या चाहिए जो आया उसके साथ ए डॉट बी, यानी कि ये हमारा ए डॉट बी आ रहा था, इसको थोड़ा सा दोबारा लिख देते हैं ए डॉट बी, ठीक है यहां तक आ गया, अब इन दोनों के बीच में क्या चाहिए हमें दैट इज प्लस का साइन चाहिए, तो प्लस का कौन सा होता है ये वाला, दिस इज द फाइनल आउटपुट, तो जो फाइनल आएगा वो आप यहां पे लिख लेना, आउट फाइनल क्या आएगा यही आएगा जो आंसर जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं जिससे ज्यादा क्लियर हो जाए, तो मैं लास्ट में लिख भी देता हूं जो आंसर आ रहा है हमारा ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी प्लस डी प्लस ए डॉट बी, बट ये क्वेश्चन ना मैंने थोड़ा सा बड़ा दे दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, छोटा ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए डॉट बी प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी डैश, ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है ए डॉट बी और उसके बाद ए डैश डॉट बी डॉट सी डैश, डैश का ध्यान देना ऐसे भी आ सकता है ऊपर ऊपर लाइन भी आ सकती है, तो दोनों का मतलब सेम है, तो सबसे पहले तो हमने क्या करा सबसे पहले हम क्या करेंगे a प्लस बी, यानी कि a यहां से आएगा, दिस इज a दिस इज b, इनके बीच में क्या लगाएंगे हम डॉट, डॉट का मतलब एंड, तो दिस इज एंड, राइट, अब क्या करना है अब हमें इसको सॉल्व करना है a डैश b और c डैश, a डैश b और c डैश, a और b तो बना रखा है इसका मतलब यहीं से लेंगे हम, तो क्या करा यहां से हमने निकाल लिया A, लेकिन ये क्या आ रहा हमारा A, हमें क्या चाहिए A डैश, तो यहां पर हम क्या कर देंगे नॉट लगा देंगे, नाउ दिस इज A डैश, ठीक है, नेक्स्ट क्या है B, तो B यहां पर है, यहां से ले आओ या यहां से ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ गया हमारा B, और क्या चाहिए C डैश, तो C डैश के लिए हम क्या करेंगे C तो है नहीं हमारे पास, C बनाया इससे पहले, इसके बीच में क्या बना देंगे हम डैश, तो ये हो गया डैश सी डैश, इन तीनों के बीच में क्या लगाना है हमें एंड का साइन, यानी कि डी वाला डायग्राम, तो मैं बड़ा ही बना लेता हूं दिस इज डी, ये इसको अच्छा सा कर लेते हैं, काफी स्टूडेंट्स ने ना सही बनता नहीं है
लाइंस को ऐसे आप ऊपर लेकर आ जाना तो ज्यादा क्लैरिटी रहती है। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, दिस इज ए डैश डॉट बी डॉट सी, और अब हम क्या करेंगे इसके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। इससे आंसर क्या आ गया, ए डॉट बी प्लस ए डैश बी डॉट सी डैश। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप करोगे जिसमें डैश यूज होगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है पहले आप लोगों ने। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व ए प्लस बी प्लस सी, यानी इनपुट कितने हैं, तीन, ए बी एंड सी। इसके बीच में क्या आ गया हमारा, और, तो दिस इज और ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट क्या है हमारा, ए डैश बी डैश और डी डैश, ए और बी बना हुआ है तो हमने यहीं से निकाल लिया, दिस इज ए, बी यहीं से निकाल लेते हैं, दिस इज बी। ध्यान देना डैश के लिए हमेशा एक ही यूज होगा, तो ये बन गया हमारा, दिस इज ए डैश। और क्या चाहिए हमें, बी डैश। बी डैश के लिए अलग से यूज करोगे, ये नहीं कि इसी में से निकाल दो, दिस इज बी डैश। और क्या चाहिए, डी, ये आ गया डी। इन तीनों के बीच में क्या चाहिए हमें, प्लस का सिंबल। तो प्लस कैसे होगा, कुछ ऐसे, दिस इज ए डैश प्लस बी डैश प्लस डी। नेक्स्ट इज ए डैश बी और डी डैश। अब ध्यान देना काफी जगह पे क्या कराया जाता है, टीचर कहते हैं कि ए डैश तो आया हुआ है, वो वहीं से निकाल देते हैं, और काफी टीचर कहते हैं कि नहीं, ए दोबारा से लेकर आओ, दोबारा से ए डैश बनाओ। गलत यहां से निकालना भी नहीं है, और गलत ये भी नहीं कि आप दोबारा से ए लो और दोबारा ए डैश बनाओ। तो ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा स्कूल में कॉलेज में कैसा कराया गया। तो मैं दोबारा से बनाऊंगा, ठीक है, तो यहां पर हमने ज्यादा डार्क कर दिया, यानी वो यहां पे भी जा रहा है और यहां पे भी जा रहा है। ये क्या आ गया हमारा, दिस इज ए आया, तो क्या बनाया हमने इसका, ए डैश, दिस इज ए डैश। ए डैश के साथ क्या चाहिए हमें, बी और डी डैश। तो ये हमारा बी था, यहीं पे हमने डार्क करा, और यहां से हम किसको ले आए, बी को। और क्या चाहिए हमें, डी डैश, तो डी यहां बना दिया, बना हुआ है ऑलरेडी, दिस इज डी आया, और ये क्या आ गया, डी डैश। ठीक है, तो ये ए डैश बी डी डैश, इन तीनों के बीच में प्लस का साइन, और तो ये हो गया हमारा ए डैश प्लस बी प्लस डी डैश। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है, अब ध्यान दो तीनों के बीच में एंड है तो आप एक ही बना सकते हो। इससे पहले जब हमने करा था कौन सा, ये वाला क्वेश्चन,
एक जगह डॉट था और एक प्लस था, तो पहले हमने डॉट को सॉल्व कर दिया फिर प्लस को कर दिया, दोनों के अलग अलग सिंबल, लेकिन जब सेम है तो हम एक ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर आ गया, ये इधर, और बीच में क्या लगा देंगे, एंड का साइन। इससे क्या आंसर आ गया, जो क्वेश्चन में लिखा है वही आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है वो जरूर लिख देना, ए डैश प्लस बी डैश प्लस डी, ए डैश प्लस बी प्लस डी डैश। नाउ दिस इज द आंसर। ठीक है, उम्मीद करूंगा यही कर रखा है आप लोगों ने सबने। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग उसमें से प्रैक्टिस करना। इसके अंदर अभी हमने क्या सीख लिया, अभी हमने सीख लिया एंड और एंड नॉट, अभी दो और हमारे सर्किट डायग्राम है नैंड एंड नॉर के, वो अभी हम इसमें नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम ट्रुथ टेबल सीखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रुथ टेबल का यूज आगे के क्वेश्चंस में आएगा जब हमें प्रूफ करना होगा, और मुझे पूरा कंफर्म्ड है इस वीडियो में जो सिखाया जाएगा आप इसके बाद हमें थैंक यू बोलने वाले हो, आसान तरीके से सिखाया जाएगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो अब हम सीखेंगे ट्रुथ टेबल। ट्रुथ का मतलब सच बोलता है, जो ट्रुथ का मतलब जो सच बोलेगा। ध्यान देना, ट्रुथ टेबल बनाने के लिए इसकी एक टेबल बनेगी, ट्रुथ टेबल। इसके लिए एक फॉर्मूला होगा, दैट इज 2^n, और जो n होगा, n डिनोट्स टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, डिनोट्स टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, या फिर आप उनको इनपुट भी कह सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। ध्यान दो, यहां पर हमने 2 क्यों लिया, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, बूलियन से। बूलियन का मतलब होता है 0 या फिर 1, क्या होगा, 0 या फिर 1, तो इसलिए बेस 2 रहेगा, ऊपर n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैथ्स का एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि आपने प्रोबेबिलिटी कर रखा होगा, अगर आपके पास क्वाइन है, हेड और टेल आ सकता है उसमें, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, यानी कि एक क्वाइन को जब आप टॉस करोगे हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है 2^n नंबर ऑफ क्वाइंस, दैट इज 2^1 = 2, तो यानी दो केसेस बनेंगे। अगर आपके पास दो क्वाइन है और दो क्वाइंस को आप टॉस करोगे, तो यानी कि कितने केसेस बनेंगे, 2 क्वाइंस है, 2 बेस हो गया, रेस्ट पावर नंबर ऑफ क्वाइंस, दैट इज 2, तो कितना होगा, 4। सिमिलरली अगर आपके पास 3 क्वाइन है, तो आंसर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दैट इज बेस कितना हो गया, 2^2 नंबर ऑफ क्वाइंस, दैट इज 3, कितना हो गया, 8, यानी 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। जैसे कि आप लोगों ने मैथ्स में करा होगा, अगर टीचर ने लिखवाया होगा, वो हेड टेल हेड करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर जिसने मैथ्स में नहीं कर रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मान लो 2 क्वाइंस हैं, ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम आएंगे, एच एच हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड हेड टेल, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके 3 क्वाइंस है तो 8 केसेस बनेंगे। अब आपको जो टीचर ने ना ये सिखाया होगा ऐसे लिखने के लिए दिमाग लगाकर, लेकिन जब आप ट्रुथ टेबल करोगे ना, बहुत इजी है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही सारे केसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, हम अभी तो इसकी बात कर रहे हैं बूलियन की, तो हम इस पे ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। हमें क्या करना है, क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है लिखा है ए और बी,
और को क्या कहते हैं, प्लस कहते हैं। तो आपने क्या करना है, टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, टू। एक फॉर्मूला याद रखना, टू रेस टू पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ए और बी दो वेरिएबल्स है, दैट इज फोर। इसका मतलब चार केसेस बनेंगे, चार केसेस बनेंगे, यानी ए और बी की वैल्यू जीरो और वन ही लेनी है आपने। क्यों? क्योंकि बुलियन का मतलब ही जीरो और वन होता है। तो आपने क्या करा, दो हेडिंग बना दो जितने वेरिएबल्स हैं ए और बी। ठीक है, यहां तक क्लियर? केसेस कितने बनेंगे, फोर। तो फोर रोज बना दो, राइट। अब ये कितना है हमारा, फोर। फोर केसेस बनेंगे, फोर आया। फोर का हाफ कितना होता है, जल्दी बताओ, दैट इज टू। तो आपने किस फॉर्म में करना है, जीरो और वन की फॉर्म में, यानी कि दो बार जीरो लिखो, दो बार वन लिख दो, सिंपल। अब नेक्स्ट क्या आया था, टू आया था, अब क्या कर दो, टू का हाफ कर दो। टू का हाफ कितना हो गया, दैट इज वन। तो एक बार जीरो लिखो, एक बार वन, जीरो वन। ये हो गए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, ए और बी के ये चार कॉम्बिनेशंस ही बन सकते हैं, इसके अलावा नहीं बन सकते। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का प्लस करना है, क्योंकि ट्रुथ टेबल तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बनानी है। तो क्या करा, यहां पर हम आए और इधर हमने लिख दिया a प्लस बी। अगर क्वेश्चन में और लिखा तो a और b लिख लेना, ठीक है। और का मतलब प्लस, जीरो प्लस जीरो कितना होता है, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन। अब ये पॉइंट है समझने का, वन प्लस वन इज टू, मैथ्स में टू होता है, लेकिन हम बूलियन कर रहे हैं, यानी जीरो एंड वन की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो वन प्लस वन कितना हो गया, टू। हम टू लिख नहीं सकते, जीरो वन की फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, हम जीरो लिखें या वन लिखें, अगर नॉन जीरो आ रहा है तो वन, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं आ रहा। अब वन प्लस वन कितना होता है मैथ्स के अंदर, टू, यानी नॉन जीरो आ रहा है, नॉन जीरो इज वन। तो यहां पर आप लिख दोगे वन। तो अगर क्वेश्चन में आता है ट्रुथ टेबल बनानी है इसकी, तो यानी कि ये ट्रुथ टेबल है, ठीक है। किसी को एक क्वेश्चन और करेंगे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। पहले मैं समझाऊंगा फिर आप देखना। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या है, टू रेस्ट पावर एन, एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ए बी सी कितने वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल्स हैं। तो दैट इज क्या बन गया, टू की पावर थ्री क्या बन गया, एट। यानी कि जब ए बी सी होगा तो उसके तीन एट ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, जिसमें ए बी सी को जीरो और वन की फॉर्म में रखना है, क्योंकि हम बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, बूलियन का मतलब जीरो एंड वन, ठीक है। तो क्या करा, हमारे कितने वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल्स हैं। तो हमने यहां लिख दिया एक ए, एक बी और एक सी। सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले बताया कितने केसेस बनेंगे, एट। तो आप एट बॉक्सेस बना लो, यहां पर एट केसेस बनेंगे। तो हमने क्या करना है, एट बॉक्सेस बना लेने हैं पहले, सबसे पहले वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो कितने बॉक्सेस बना लिए हमने, एट बॉक्सेस बना लिए। अब क्या करना है, ध्यान दो, एट है, एट का हाफ कितना होता है, दैट इज फोर। एट का हाफ कितना हुआ, फोर। तो पहले वाले कॉलम में चार बार जीरो, चार बार वन, काउंटिंग हमेशा जीरो से ही स्टार्ट करना। तो क्या लिखा हमने, फर्स्ट वाले में चार बार जीरो, चार बार वन, तो लिख दिया एक दो तीन चार, वन टू थ्री फोर, चार बार जीरो, चार बार वन। उसके बाद नेक्स्ट, यहां तक हो गया फर्स्ट वाले के लिए। अब फोर का हाफ, फोर तो हो गया, फोर का हाफ कितना हो गया, टू। यानी कि दो बार जीरो, दो बार वन, दो बार जीरो, दो बार वन। तो सेकंड में क्या करा हमने, दो बार जीरो, दो बार वन लिख दिया, जीरो जीरो वन वन, फिर दोबारा रिपीट, जीरो जीरो वन वन, ठीक है। यहां तक क्लियर, सिंपल है। अब उसके बाद फिर फोर का हाफ कितना हो गया, फोर का हाफ हो गया था टू, दैट इज। अब टू का हाफ कितना हो गया, वन। यानी कि
0101, एक लिखा है तो 0101 0101, तो यहां पर आ गया हमारा दैट इज 0101 0101 और लास्ट में 01। अब हमें क्या करना है, इन तीनों के बीच में क्या करना है, प्लस करना है, प्लस यानी कि और। दोबारा बता रहा हूं, और भी लिखा आ सकता है, प्लस भी लिखा आ सकता है। फिर मत कहना सर आपने तो और लिखा नहीं, एक जगह नहीं लिखा, पहले बता दिया तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो ये तो सिंपल है, 0 + 0 + 0 = 0, सिंपल। जो मैथ्स में हो, मैथ्स में तो वैसे ही आप लोग इंटेलिजेंट ही हो। 0 + 0 = 0 0 + 1 = 1। नेक्स्ट 0 + 1 = 1 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1 1 + 1 = 2। लेकिन हमें क्या लिखना है, नॉन जीरो है तो 1, अगर 0 है तो सिंपल 0, तो 2 क्या होता है, नॉन जीरो, दैट इज 1। नेक्स्ट 1 + 0 = 1 और +0 = 1, तो ये आ गया 1, 1 + 0 = 1 1 + 1 = 2, दैट इज नॉन जीरो 1, 1 + 1 = 2 + 0 =, ध्यान दो, 1 + 1 = 2 2 + 0 = 2, यानी कि नॉन जीरो दैट इज 1, 1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 का मतलब नॉन जीरो, नॉन जीरो इज 1, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने ट्रुथ टेबल किसका सीख लिया, और का, और साथ में एंड का, इससे पहले नहीं, सॉरी और का ही सीखा अभी हमने, बस ये सीखा है एक में दो वेरिएबल्स हैं और एक में कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये नोट कर सकते हो आप लोग। अमेजिंग, उम्मीद रखूंगा आपको बहुत आसानी से मैंने सिखाया है, दोनों क्वेश्चंस सही से समझ में आए होंगे। इस वीडियो के अंदर हम बूलियन अलजेब्रा ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन ध्यान दो इससे लास्ट वाली वीडियो के साथ इसका रिलेशन होगा जो इस वीडियो में हम करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर आपको मैंने ट्रुथ टेबल का कंसेप्ट सिखाया था, इस वीडियो में भी हम ट्रुथ टेबल का कंसेप्ट सीखेंगे, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा तो पुराना रिवाइज करवाऊंगा और उसके बाद नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों बहुत मजा आने वाला है और बहुत आसानी से समझ में आएगा ट्रुथ टेबल, और ये समझना भी बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो जो होगी उसके अंदर हम ट्रुथ टेबल का यूज करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो हम शुरू करेंगे आज, यहां तक हमने क्या कर लिया था, अभी तक हमने जो करा ट्रुथ टेबल, दो क्वेश्चंस कर लिए जिसमें दोनों हमने किसके रिस्पेक्ट में देखे थे, और के रिस्पेक्ट में। तो फटाफट रिकॉल कराता हूं, ये तो आपको पता है हमेशा फॉर्मूला याद रखना, ट्रुथ टेबल बनाना 2^2 2 क्यों लेते हैं, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा में सारी वैल्यूज 0 और 1 की फॉर्म में होगी, तो इसलिए बेस रखेंगे 2। एन इज टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर दो वेरिएबल्स है 2^n कितना हो गया हमारा 2, दैट इज 4 हो गया। तो क्या करोगे, 4 आप पहले तो हेडिंग डाल लेना ए और बी जितने वेरिएबल्स हैं, उसके बाद 4 रोज बनाओगे, उसके अंदर सारे कॉम्बिनेशन लिखेंगे 0 1 की, वो कैसे लिखना है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 4 को 2 से डिवाइड करो कितना आ गया 2, तो 2 बार 0 2 बार 1, फिर उसके बाद 2 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा 1 0 1 0 1, और फिर हमने क्या करा था, प्लस करा था। तो आपको मैंने ये बताया था जब भी आप प्लस करोगे या मल्टीप्लाई करोगे बूलियन के अंदर, आज हमने मल्टीप्लाई देखना है, तो वहां पर 1 + 1 जो होगा मैथ्स के अंदर 2 होता है, लेकिन बूलियन के अंदर हमें 0 1 की फॉर्म में लिखना है, तो 1 + 1 = 2, 2 का मतलब नॉन जीरो, नॉन जीरो इज ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया था। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था 3 वेरिएबल्स का 2^3 8 हो गया, 8 का हाफ कितना हो गया 4, 4 बार 0 4 बार 1, फिर 4 का हाफ कितना हो गया 2, 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, नेक्स्ट इज 2 का हाफ 1 0 1 0 1 0 1 0 1, यहां पर वही रूल लगाया हमने 1 + 1 = 2, 2 का मतलब नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब कितना हो गया, दैट इज 1। सिमिलरली जैसे 1 + 1 + 1 है, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 इज नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब 1। तो अभी तक हमने किसके देख लिए, और के रिस्पेक्ट में देख चुके हम ट्रुथ टेबल, अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू एंड। तो क्वेश्चन लिखो, पहले 2 वेरिएबल्स का करेंगे फिर 3 का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ
ड्रॉ द ट्रूथ टेबल ऑफ ए डॉट बी. हमें क्या करना है, ए डॉट बी का ट्रूथ टेबल बनाना है. ठीक है, यानी कि कितने वेरिएबल हो गए, टू वेरिएबल्स. तो फॉर्मूला क्या कहता है, टू रेस्ट पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो दैट इज वेरिएबल कितने हमारे, टू. तो कितना होगा, टू की पावर टू इज फोर. तो हम क्या करेंगे, पहले हेडिंग लिख देंगे ए और बी, और इसके अंदर क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस बनाएंगे. कितने कॉम्बिनेशन होने चाहिए, फोर कॉम्बिनेशन. तो ये आ गया ए बी, फोर है कॉम्बिनेशन. तो इसलिए मैंने कितनी रोज बना दी, फोर रोज, वन टू थ्री फोर. अब फोर का हाफ कितना हो गया, दैट इज टू. दो बार जीरो, दो बार वन, कहां पर, फर्स्ट वाले में. फोर का हाफ कितना हो गया, दैट इज टू. तो दो बार लिख दिया हमने. अब टू का हाफ कितना हो गया, वन. तो जीरो वन जीरो वन. अब हमें क्या करना है, ए डॉट बी. तो हेडिंग डाल दी ए डॉट बी. ए डॉट बी का मतलब ए एंड बी. डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड को, और प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है, और को. अब यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे, जो मैथ्स में करते हो सेम एज इट इज, यहां पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है. जीरो इंटू जीरो इज जीरो, जीरो इंटू वन इज जीरो, वन इंटू जीरो इज जीरो, वन इंटू वन इज वन. तो दिस इज द आंसर. तो फटाफट इसका टेबल बना लो. क्वेश्चन नंबर थर्ड. ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. उम्मीद रखूंगा आपने कर लिया होगा, नहीं करा तो फिर आराम से नोट कर लेना बाद में. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. Draw the truth table of A dot B dot C. ये अब आप लोगों ने करना है, पहले फटाफट सॉल्व करो. तीन वेरिएबल्स है तो फॉर्मूला टू रेस टू पावर n, n दैट इज कितना है, n कितना है हमारा, थ्री. तो टू की पावर थ्री कितना आ गया, एट. यानी कि कितने रोज बनेंगे, एट कॉम्बिनेशंस बनेंगे. फटाफट सॉल्व करो. चलो हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें कंपेयर करना है प्लस के साथ और एंड के साथ, तो इसलिए मैं भी सॉल्व कर रहा हूं. क्या करा हमने, यहां पे तीन कॉलम बना लिए, दैट इज ए बी सी. कितने कॉम्बिनेशंस, एट कॉम्बिनेशंस. क्यों, क्योंकि टू की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो एट कॉम्बिनेशंस, फोर फाइव सिक्स सेवन एंड द लास्ट इज एट. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट का हाफ दैट इज फोर. तो फोर टाइम्स जीरो, फोर टाइम्स वन, कहां पर, फर्स्ट में. तो दो, चार बार जीरो, चार बार वन. ठीक है, यहां तक क्लियर. अब फोर के बाद कितना आएगा हमारा, दैट इज टू. फोर, फोर के बाद क्या करेंगे, हम दोबारा से डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे. फोर डिवाइड बाय टू इज टू. यानी कि हमें क्या करना है, दो बार जीरो, दो बार वन, दो बार जीरो, दो बार वन. तो यहां पर आ गया दो बार जीरो, दो बार वन, दो बार जीरो, दो बार वन. नेक्स्ट, नेक्स्ट कितना है हमारा, टू. टू को डिवाइड करेंगे टू से, कितना आएगा, वन. यानी कि जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन. अब सिंपल क्या करना है हमें, ए डॉट बी डॉट सी. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो सिंपल क्या करा, जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो, दैट इज जीरो. चैंपियन हो आप लोग इसमें तो, मैथ्स के अंदर जीरो इंटू जीरो जीरो प्लस इंटू वन इज जीरो. तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो जीरो जीरो, और सिर्फ ये कितना आ गया, वन आ गया. तो ये हमारा किसका हो गया, ट्रुथ टेबल हो गया किसका, डॉट का. डॉट यानी कि एंड का. अब यहां पर ध्यान देना, जो चीज आपको ध्यान देने की सबसे इंपॉर्टेंट है, याद वैसे तो नहीं करना चाहिए, सब चीज समझने की है, लेकिन थोड़ा सा आगे के गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे आए जहां पर आपको दिक्कत नहीं आए. आगे नंबर सिस्टम करना है तो वहां पे दिक्कत नहीं आए. ध्यान दो, सिंपल सी चीज है. और कहता है ये हमारा और है, और मतलब प्लस. और कहता है अगर कोई भी वैल्यू वन होगी तो आंसर वन होगा. कोई भी वैल्यू वन होगी तो आंसर क्या होगा, वन होगा. तो यहां पर एक भी वैल्यू वन नहीं है, यहां पर एक वैल्यू वन है तो वन आ गया. यहां पर एक वैल्यू वन है, वन आ गया, वन है, वन आ गया. ध्यान देना, इसका आगे भी यूज होगा.
सिमिलरली और में अगर कोई एक भी वैल्यू वन है तो वन हो जाएगा, सारी जीरो है, एक भी वन आ गई तो वन, एक भी वन आ गई तो वन। एंड क्या कहता है, एंड कहता है अगर एक भी वैल्यू जीरो होगी तो जीरो आएगा। यहां पर एक वैल्यू जीरो जीरो, एक वैल्यू जीरो जीरो, एक जीरो जीरो, दोनों क्या है वन, तो इसलिए क्या आ रहा है वन आ रहा है। सिमिलरली यहां पर भी ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। आपसे टीचर पूछ सकता कि एंड में वन कब आएगा, तो आप कहोगे एंड में वन तब आएगा जब जितनी भी वैल्यू है सब वन होगी, और में वन कब आएगा जब कोई भी एक वैल्यू वन है तो वन आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल से क्वेश्चंस। अब हम करेंगे, अभी तक हमने और एंड देखा, अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है रिवर्स कर दो, अगर वन है तो जीरो कर दो, जीरो है तो वन कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं एक, फॉर्मूला है 2^n, तो 1 है तो कितना हो गया 2, यानी कि कितने केसेस बनेंगे, दो केसेस। तो आप क्या करोगे जब ट्रुथ टेबल बनाओगे, तो यहां पर हेडिंग डालोगे ए, अब 2 है, 2 का हाफ कितना होता है, 2 का हाफ इज 1, यानी कि एक बार 0 और एक बार 1, और हमें किसका करना है ए डैश। ए डैश का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो भी वैल्यू है उसका उल्टा कर दो, अगर वन है तो जीरो कर दो, जीरो है तो वन कर दो। तो इसका मतलब हमने क्या करा, ए डैश ये कितना है, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो कर देंगे। ठीक है, वेरी सिंपल, नोट कर लो इसको भी। अब ध्यान देना, ये तो सिंपल हो गए, अब जो अब क्वेश्चंस करने वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन है हमारा स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स थ्योरम। इसमें हमें क्या करना है, स्टेट यानी बताना डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है और प्रूफ भी करना है। तो दोस्तों अमेजिंग, इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीख लिया, बूलियन अलजेब्रा का ट्रुथ टेबल का कंसेप्ट सीखा। नेक्स्ट में हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है क्या सीखेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम, और डी मॉर्गन्स थ्योरम में यूज होगा जो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम। क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, इस वीडियो में हम बूलियन अलजेब्रा का टॉपिक सीखेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये तभी समझ में आएगा जब आपने पहले की वीडियो देखी है, यानी कि आपको ट्रुथ टेबल का कंसेप्ट आना चाहिए। बहुत आसान है, डी मॉर्गन्स थ्योरम को करने के दो तरीके हैं, जिसमें से हम एक तरीका इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। क्वेश्चन है हमारा स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स थ्योरम। इसमें हमें क्या करना है, स्टेट यानी बताना डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है और प्रूफ भी करना है। ध्यान देना, प्रूफ करने के दो तरीके होते हैं, एक जो हमने ट्रुथ टेबल पढ़ा उसकी हेल्प से, और एक होगा विदाउट ट्रुथ टेबल। तो आज के सेशन के अंदर हमें क्या करना है, यूजिंग ट्रुथ टेबल की हेल्प से। तो आंसर क्या लिखोगे, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट डी मॉर्गन्स थ्योरम दो चीजें कहता है, ए और बी दो वेरिएबल्स ले लो, बीच में प्लस लगा दो, ठीक है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार यानी कि कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो यहां पर आप क्या कर दो, ए और बी को ब्रेक करके लिख दो अलग अलग, ये लिख दिया हमने ए और बी को ब्रेक करके, दोनों के ऊपर डैश लगा दो, और यहां पर प्लस है तो यहां पे क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे,
ठीक है, क्या करा a प्लस बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट करा और उसके बाद इस इक्वल टू a और b को अलग अलग लिखा, प्लस की जगह डॉट लगाया, बार दोनों के साइड पे अलग अलग लगा दिए। दूसरा क्या कहता है, a डॉट b पूरे के ऊपर डैश, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी ब्रेक करके लिख देंगे, यानी a और b आ गया और क्या करेंगे दोनों के ऊपर बार लगाएंगे, दिस इज बार और यहां पर डॉट का साइन है तो यहां पर उल्टा रिवर्स हो जाएगा, दैट इज प्लस। तो एग्जाम के अंदर आएगा स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम, इसके अंदर आपका एक नंबर या दो नंबर इसका होगा, ठीक है। अगर तीन नंबर का आएगा तो एक नंबर इसका होगा और दो नंबर प्रूफ करने के, नोट करो पहले इसको। अब ध्यान दो, यहां पर हमने क्या कर दिया, स्टेट कर दिया, अब हमें प्रूफ करना है यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे फर्स्ट वाला, तो सबसे पहले हम कौन सा प्रूफ करेंगे, फर्स्ट पार्ट, a प्लस बी पूरे का डैश इज इक्वल टू a का डैश डॉट b का डैश। क्या करोगे आप, किससे करना है, ट्रुथ टेबल से। तो ट्रुथ टेबल का फॉर्मूला 2^ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स है, दैट इज ए और बी। ये मत सोचना डैश डैश अलग वेरिएबल्स हो गए, टोटल वेरिएबल्स, चाहे डैश है या नहीं है, टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, ए एंड बी, यानी दो वेरिएबल्स। तो हमने क्या लिखा, यहां ए लिखा, यहां बी लिखा, कितने कॉम्बिनेशन लिखेंगे, 2^2। क्यों पावर 2 करा, क्योंकि ए और बी दो वेरिएबल्स है, दैट इज 4। तो यहां पर हमारे कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, 4 कॉम्बिनेशन आएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या करते हैं हम ट्रुथ टेबल के लिए, 4 आया, 4 का हाफ दैट इज 2, 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 का हाफ दैट इज 1, तो 0 1 0 1। ठीक है, अब हम लेफ्ट साइड को करेंगे, क्या लिखा हुआ, पहले प्लस करो फिर जो आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, लिखा हुआ ना a प्लस बी पूरे के ऊपर बार है, तो पहले हमें क्या करना है, a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी क्या कहता है, a प्लस बी कहता है इन दोनों को ऐड करो, 0 प्लस 0 इज 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 इज 2, 2 का मतलब नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब 1। ठीक है, यहां तक हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, a प्लस बी पूरे का डैश करना है, तो इसके साथ में हम एक कॉलम और बना लेंगे, दैट इज a प्लस बी पूरे का डैश। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आएगा, जो हमारा a प्लस बी आया उसका पूरे का डैश, यानी कि a प्लस बी में जो जो वैल्यूज है आप क्या कर दोगे, 0 है तो 1 कर दोगे, 1 है तो 0 कर दोगे। क्यों, क्योंकि ये किसका साइन है, कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, रिवर्स कर दो, 0 को 1, 1 को 0, तो यहां पे 0 है तो यहां पे 1, यहां पे 1, 0 0 0। ये तो हो गया हमारा लेफ्ट साइड का, अब हमें आना है कहां पे, राइट साइड पे। राइट साइड में क्या करना है, हमें पहले निकालना है a डैश, तो आप क्या करोगे, एक कॉलम बना लोगे a डैश का, a डैश का मतलब a के अंदर जो भी वैल्यू है रिवर्स कर दो, a कितना, दैट इज 0, 0 का कितना हो गया 1, ये कितना है 0, 1, 1 का 0, 1 का 0, a डैश हो गया। अब क्या करना है, b डैश, तो ये आ गया हमारा b डैश, b की जो जो वैल्यू है रिवर्स, 0 1 1 0 1, तो क्या कर देंगे, 1 का 0, 0 का 1। ठीक है, तो a डॉट a डैश b डैश हो गया, इनके बीच में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एंड करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 × 1 = 1 1 × 0 = 0 0 × 1 = 0 0 × 0 = 0। अब ध्यान दो, अब यहां पर आप क्या करोगे, कॉलम नंबर दे दोगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। प्रूफ किसको करना है, इस वाले को, a प्लस बी पूरे का, और इस वाले को। अब आप देखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम आनी चाहिए, किसकी, a प्लस बी पूरे का डैश इज इक्वल टू a का डैश डॉट b का डैश। ये कितना आ रहा है, 1, दिस इज 1,
यहां पर भी वन है, ठीक है, ये जीरो है, यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया। अगर इक्वल नहीं आ रही होगी तो कहीं ना कहीं आपने ट्रुथ टेबल के अंदर गलती कर रखी है, तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम कॉलम नंबर फोर एंड कॉलम नंबर सेवन, ए प्लस बी पूरे का डैश इज इक्वल टू ए का डैश डॉट बी का डैश इज प्रूव्ड। तो क्या लिख देंगे हम, फ्रॉम, ये पूरा लिखकर आना आप लोगों ने, फ्रॉम कॉलम फोर एंड सेवन ए प्लस बी पूरे का डैश इज इक्वल टू ए का डैश डॉट बी का डैश इज प्रूव्ड। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब ध्यान देना, इसके अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, अब हमें बी करना है, सेकंड पार्ट करना है, तो आप लोगों के पास 5 मिनट का टाइम है इस बी वाले को प्रूव करने का। ठीक है, तो ये अब आपने पहले प्रूव करना है, फिर उसके बाद क्रॉस चेक करेंगे। गुड, तो एक बार मैं भी सॉल्व कराता हूं इसको। हमें क्या प्रूव करना है, बी वाला पार्ट। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे। बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट कहता है ए डॉट बी पूरे का डैश इज इक्वल टू ए का डैश प्लस बी का डैश। तो कितने टेबल्स हैं हमारे पास, दो वेरिएबल्स, ट्रुथ टेबल, पहले तो हेडिंग डाल दी, टू का मतलब टू रेस्ट टू पावर टू, दैट इज फोर, तो फोर कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो इसलिए मैंने यहां पे टेबल के लिए फोर रोज बना दिए, फोर का हाफ दैट इज टू, दो बार जीरो, दो बार वन, दो का आधा वन, जीरो वन जीरो वन। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड वाले को, यानी कि ए डॉट बी, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसका डॉट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हमने ए, सॉरी, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये कितना हो गया, जीरो, ये तो सिंपल मैथ्स है, जीरो इंटू जीरो, जीरो जीरो जीरो, और गलत हो गया कहीं पर, हाँ यहां पे मैंने गलती से गलत लिख दिया, यहां पे वन आएगा। ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड क्या कहता है, ए डॉट बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो ए डॉट बी आया पूरे का कॉम्प्लीमेंट, जीरो को वन, वन को जीरो, तो ये कितना हो गया, वन 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 जीरो, ये तो आ गया हमारा लेफ्ट साइड का। अब राइट साइड का निकालना है, कितना आएगा, ए डैश, पहले ए डैश करेंगे, फिर बी डैश करेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों के बीच में प्लस, तो सबसे पहले आ गया ए डैश, यानी दो बार जीरो, दो बार वन, तो क्या होगा, वन वन जीरो जीरो, तो दिस इज वन वन जीरो जीरो, ए डैश हो गया, बी डैश जीरो वन जीरो वन, तो क्या करेंगे, वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो। अब इसके बीच में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ए डैश प्लस बी डैश, तो वन प्लस वन इज वन, वन प्लस जीरो इज वन, वन जीरो। अब हम चेक करेंगे जिसको प्रूव करना है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, कॉलम्स को नंबरिंग कर देंगे, तो ये हो गया हमारा कॉलम नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। किसको प्रूव करना है, इन दोनों को वैल्यू सेम होनी चाहिए, दिस इज वन वन, ये भी वन है, ठीक है,
ये भी वन है, ठीक है, ये जीरो है, ठीक है, इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रू है। तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम कॉलम नंबर, ध्यान देना ये जरूर लिख कर आना, कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 7, दिस इज ट्रू, दिस इज प्रूव्ड। तो क्या लिखा हमने, फ्रॉम कॉलम 4 and 7 ए डॉट बी पूरे का डैश इज इक्वल टू ए का डैश प्लस बी का डैश इज प्रूव्ड, ठीक है, ये लिखा हुआ है आप लोगों ने, सिंपल है। तो दोस्तों बहुत अमेजिंग रही, छोटी वीडियो है लेकिन हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया, डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम को करने के दो तरीके हैं, एक यूजिंग ट्रुथ टेबल और एक दूसरा है प्रूफ करना। लेकिन जो दूसरा तरीका है उससे पहले हमें कुछ नए नए टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, तो वापस हम उस टॉपिक पर यानी डी मॉर्गन्स थ्योरम को प्रूफ करना सीखेंगे विदाउट ट्रुथ टेबल, वो आगे देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे कुछ लॉस जो रिलेटेड है बूलियन अलजेब्रा से, और इससे पहले आपको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं क्या क्या कर चुके हैं, हम ट्रुथ टेबल कर चुके हैं और साथ में डी मॉर्गन्स थ्योरम प्रूफ करना सीख चुके हैं। और मैंने तब भी आपको बताया था डी मॉर्गन्स थ्योरम को प्रूफ करने के दो तरीके हैं, एक है यूजिंग ट्रुथ टेबल और दूसरा है विदाउट ट्रुथ टेबल। तो विदाउट ट्रुथ टेबल हम बाद में सीखेंगे, अभी हम सीखने वाले हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक तो स्टेट करना है और साथ में प्रूफ भी देना है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा उसको हमें दिखाना है कि वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, स्टेट करना है, यानी कि क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो बताओगे। तो नॉर्मल सिंपल लिखोगे, इट स्टेट्स दैट जैसे डी मॉर्गन्स थ्योरम के दो पार्ट थे, यहां पे भी दो पार्ट है, फर्स्ट इज ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी, ये किसके इक्वल होगा। अब जैसे नॉर्मल आप मैथमेटिक्स में करते हो, ऐसे करते हो, मल्टीप्लाई होता है और ब्रैकेट होता है, तो क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इससे कर दोगे, यानी कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो और बीच में प्लस लगा दो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ए को बी से मल्टीप्लाई करा, ए को सी से मल्टीप्लाई करा और बीच में प्लस क्यों लगा, क्योंकि यहां पर प्लस है, राइट। दो पार्ट होंगे, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट सिंपल, फर्स्ट याद रखना है, सेकंड तो अपने आप याद हो जाएगा, बहुत आसान सा टिप्स बता रहा हूं, ऊपर वाला लिख दो एज इट इज, बट जहां पर डॉट है वहां पर प्लस कर दो, जहां पर प्लस है वहां पर डॉट कर दो, यानी कि ये ए एज इट इज, डॉट है तो प्लस कर देंगे, ब्रैकेट एज इट इज, बी आ गया, प्लस है तो डॉट कर देंगे। ठीक है, क्या करा, डॉट को प्लस और प्लस को डॉट। सिमिलरली यहां पर ए डॉट है तो क्या आ गया, प्लस आ गया, डॉट प्लस है तो डॉट आ गया, ये क्या आ गया, ए प्लस सी, और इसको ब्रैकेट में डाल दो। तो सबसे पहले तो आप ये नोट कर लो, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसको प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, राइट साइड में भी ब्रैकेट लगा देना ऐसे, राइट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाला प्रूफ करना। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे, फर्स्टली वी विल प्रूफ, फर्स्टली वी विल प्रूफ किसको, फर्स्ट पार्ट को, ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज प्लस ए डॉट सी। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो यहां पर हमारे कितने वेरिएबल्स हैं, ए बी सी, तीन वेरिएबल्स हैं। तो ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेस्ट पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स,
यानी 2 raised to power कितने वेरिएबल है, 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल दो ए बी सी, और कितने इसके अंदर रोज बनेंगे, 8। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ट्रूथ टेबल का, 2 raised to power 3, 2 क्या होता है क्योंकि 0 1 होता है, और 3 क्या होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो 2 की पावर 3 इज 8, तो कितने रोज बना देंगे, 8, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो कितने मैंने बॉक्स बना दिए, 8। अब हम क्या करेंगे, पहले आप इतना लिख लो, ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, पॉज करके लिख लेना अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो। कितने बॉक्सेस बन गए, 8। अब क्या करेंगे, 8 का हाफ कितना होता है, जल्दी बताओ, 8 का हाफ 4, एक्सीलेंट। तो 4 बार 0 4 बार 1 कहां पर, फर्स्ट वाले कॉलम में, 4 बार 0 4 बार 1, एक एक्स्ट्रा बन गया, हाँ एक एक्स्ट्रा बन गया, तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, 4 बार 0 4 बार 1। अब क्या करेंगे, 4 का हाफ कितना होता है, जल्दी बताओ, 4 का हाफ 2, तो 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1 कहां पर, सेकंड में, 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, 2 हो गया। अब 2 का हाफ कितना होता है, फटाफट बताओ, 2 का हाफ इज 1, तो 0 1 0 1 0 1 0 1, यहां पर 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया ट्रुथ टेबल। अब आएंगे हम अपने क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी प्लस सी, यानी कि पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले बी प्लस सी निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, हम एक कॉलम और बना देंगे, किसका, बी प्लस सी का, तो दिस इज बी प्लस सी, ठीक है, जिस तरीके से करा रहा हूं वैसे ही करना, b और c ये है, इसको प्लस करेंगे, 0 प्लस 0 इज 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 इज 2, होता है मैथ्स में, लेकिन बूलियन में 0 और 1 पढ़ेंगे, 2 का मतलब नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब 1, तो 1 प्लस 1 इज 1, ये 0, दिस इज 1 1 1, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, ये ब्रैकेट हो गया। अब जो ब्रैकेट से आंसर आया क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम एक कॉलम और बना देंगे, ए डॉट किसका, बी प्लस सी का, ठीक है, ये एक कॉलम और बनाया हमने, अब हम क्या करेंगे, b प्लस सी आया, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a के साथ, a कौन सा, ये, तो 0 into 0 is 0 0 into 1 is 0 0 into 1 is 0 0 into 1 is 0 1 into 0 is, जल्दी बोलो, 0 1 into 1 1 1 into 1 1 1 into 1 1, ठीक है, यहां तक क्लियर, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो गया, अब राइट निकालेंगे, राइट निकालने के लिए पहले हमें ए डॉट बी करना होगा, फिर हमें ए डॉट सी करना होगा, जो आएगा उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, ए डॉट बी, तो यहां पर आए, हमने लिखा ए डॉट बी, क्या करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई, ये कितना है, 0 into 0 0 0 into 0 0 0 into 1 0 1 into 0 1 into 0, यानी कि जहां जहां पे 1 into 1 है तो 1 आ जाएगा और ये 1 आ गया, ठीक है, ये क्या निकल गया हमारा, a डॉट b। अब क्या निकालेंगे, a डॉट c, तो इसका मतलब एक कॉलम और बना देंगे,
दैट इज ए डॉट सी, ठीक है, ए और सी को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ए ये रहा सी ये रहा, तो ये फर्स्ट में जीरो वन आएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब दोनों वन आएगा तो वन आएगा, तो देख लेते हैं कहां कहां पर वन है, तो सबसे पहले तो आ गया जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, ठीक है, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, परफेक्ट। अब ये क्या हो गया हमारा, इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक है, राइट साइड का आ गया, अब जो आया ए डॉट बी आ गया, ए डॉट सी आ गया, इनको क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो एक कॉलम और बनाएंगे, तो क्या लिखा हमने ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इन दोनों को प्लस करना है, जो आंसर आएगा वो यहां पे लिख देंगे, परफेक्ट। तो क्या करा, जीरो और जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो प्लस वन इज वन, वन प्लस जीरो इज वन, वन प्लस वन इज टू, लेकिन बुलियन में वन प्लस वन इज टू का मतलब नॉन जीरो, नॉन जीरो इज वन, ठीक है। अब हमें प्रूफ किसको करना था, ध्यान दो, हमें प्रूफ करना है इसको और इसको, तो यहां पर जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं ए डॉट बी, ये दोनों सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूं इसका, कॉलम का नाम, दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है इन दोनों को, यानी इन दोनों को, तो चेक करेंगे अगर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम है तो हम क्या कह देंगे, बाय कॉलम फाइव एंड एट बोथ आर करेक्ट। तो क्या करेंगे हम, जीरो इंटू जीरो, सॉरी यहां पे भी जीरो है, यहां पे भी जीरो है, तो इसका मतलब ये ठीक है, यहां पे भी जीरो है, यहां पे भी जीरो है, ठीक है, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, ठीक है, यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो, ठीक है, यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो, ठीक है, दिस इज वन और ये क्या है वन, ये भी ठीक है, दिस इज वन, दिस इज वन, इसका मतलब ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अगर कहीं पर भी मैच नहीं हो रहा हो, सपोज ये जीरो है यहां पर वन है, तो या तो आपने क्वेश्चन गलत लिख करा हुआ है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो आपने स्टेटमेंट गलत लिखी है, या फिर आपका ट्रुथ टेबल गलत है। अब सेम आ रहा है तो इसका मतलब हम कह देंगे बाय कॉलम फाइव एंड एट दिस इज प्रूव्ड, तो क्या लिख देंगे, बाय बाय कॉलम, कॉलम्स कौन सा है फाइव एंड एट, बाय कॉलम फाइव एंड एट ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी और साथ में प्लस ए डॉट सी इज प्रूव्ड, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कर सकते हो, स्टार्टिंग से कर रहा हूं, अभी फर्स्ट प्रूफ करा है, सेकंड भी करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ, हो गया, अब करना है हमें कौन सा, सेकंड प्रूफ। मगर ध्यान देना, सेकंड प्रूफ करने से पहले, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा एक प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी होती है, वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी पता होना चाहिए क्या होता है, फिर हम इसके ऊपर आ सकते हैं वापस, ठीक है, क्वेश्चन पे वापस आएंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी, What is principle of duality? Principle of duality क्या कहता है? It states
ठीक है, चार चीजें होती है. फर्स्ट इज रिप्लेस, रिप्लेस कर दो किसको, वन को बाय किससे, जीरो से. यानी अगर वन है तो वन को किससे रिप्लेस कर दो, जीरो से. सेकंड कहता है रिप्लेस कर दो जीरो को बाय वन से. क्या कर दो, जीरो को वन से रिप्लेस कर दो. थर्ड कहता है रिप्लेस कर दो प्लस को बाय डॉट से. किससे, डॉट से. जहां पे प्लस है उसको डॉट से रिप्लेस कर दो. एंड द लास्ट वन इज रिप्लेस कर दो डॉट को बाय प्लस से. यानी कि जहां पर वन है वहां पे जीरो कर दो, जहां पे जीरो है वहां पे वन कर दो, जहां पे प्लस है वहां पे डॉट कर दो, जहां पे डॉट है उसको प्लस कर दो. ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से करेंगे. पहले क्वेश्चन आएगा फाइंड द ड्यूअल ऑफ, फाइंड द ड्यूअल ऑफ, फाइंड द ड्यूअल ऑफ, सपोज लिखा हुआ है ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए. हमें क्या करना है, इसका ड्यूअल निकालना है. ड्यूअल क्या कहता है, जहां पर वन है जीरो कर दो, अगर जीरो है तो वन कर दो, जहां पे प्लस है तो डॉट कर दो, और डॉट है तो प्लस कर दो. तो इसका मतलब इसका ड्यूअल क्या होगा, ये लिखा हुआ है इट्स ड्यूअल इज, जहां पर प्लस है वहां पर डॉट कर दो. ये तो ए है एज इट इज, ठीक है, ए है एज इट इज. जहां पे डॉट है वहां पर प्लस है वहां पे क्या कर दो, डॉट लगा दो. जहां पे जीरो है वहां पे वन कर दो. यानी कि अगर बूलियन में ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा ही होगा 101%. ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी. फाइंड द ड्यूअल ऑफ ए, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू वन. ठीक है, हमें क्या करना है, इसका ड्यूअल निकालना है. तो ये लिखा हुआ है ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू वन. इसका ड्यूअल क्या होगा, इट्स ड्यूअल इज, इट्स ड्यूअल इज, जहां पर प्लस है डॉट कर दो, डॉट की जगह प्लस, वन की जगह जीरो, जीरो की जगह वन. यानी कि ये ए को तो कोई नहीं छेड़ोगे आप, ये एज इट इज. ठीक है, अब यहां पर प्लस है तो क्या आ गया, डॉट आ गया, और जहां पर वन है वहां पे क्या कर दो, जीरो कर दो. तो इसका ड्यूअल क्या हो गया, ये हो गया, राइट. तो अगर कोई भी क्वेश्चन आए जहां पर आपको प्रूफ करना हो, जैसे डी मॉर्गन थ्योरम हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, वहां पर अगर आप एक प्रूफ कर दोगे तो दूसरा हमेशा उसका ड्यूअल होगा. दूसरा क्या होगा, ड्यूअल होगा. तो आप कह सकते हो बाय प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो हम जब करेंगे डी मॉर्गन थ्योरम को प्रूफ करना विदाउट ट्रुथ टेबल, तब मैं आपको सिखाऊंगा. ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि ये मैंने अभी आपको क्यों सिखाया. अब वापस आता हूं ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे. ठीक है, ये देखो यहां पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये था. अब हमारा ड्यूअल क्या कहता है, ड्यूअल कहता है वन को जीरो, जीरो को वन, प्लस को डॉट, डॉट को प्लस कर दो, राइट. तो जब आपने ये याद कर लिया, फर्स्ट तो सेकंड इसका ड्यूअल हो गया, डॉट को प्लस कर दो, प्लस को डॉट, डॉट को प्लस कर दो, प्लस को डॉट कर दो, डॉट को प्लस कर दो. अब क्वेश्चन आएगा वन और जीरो तो है ही नहीं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है वन और जीरो अवेलेबल हो, अगर होगा तो चेंज कर देंगे, नहीं है तो दिस इज करेक्ट. तो ये वाला पार्ट मैंने आपको प्रूव कर दिया, फर्स्ट वाला. सेकेंड वाला आप लिख सकते हो बाय प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी दिस इज ऑल्सो ट्रू. लेकिन 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 डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर. अगर 4 मार्क्स का आएगा तो आपको दोनों प्रूफ करने होंगे. अगर 2 मार्क्स का आएगा, स्टेट भी करना है, तो आप स्टेट लिख के और ये साथ में लिख सकते हो, फर्स्ट को प्रूफ करना, सेकेंड लिखना बाय प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो अब ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपने प्रूफ करना है किससे, ट्रुथ टेबल से. ठीक है, तो ट्रुथ टेबल से पहले खुद ही ट्राई करना. तो दोस्तों इसके अंदर अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा
क्या सीखा? दो चीजें सीखी, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और साथ में उसका प्रूफ सीखा। साथ साथ में क्या सीखा? साथ साथ में हमने सीखा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। और दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है? सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, बीच में नंबर भी फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।